सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2019, और मेरे 2018 को बेहतर बनाने के लिए आप लोग का सभी का बहुत बहुत थैंक यू। 2018 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और आज ये 5485 सब्सक्राइबर्स पर है, और ये सब आपका, मुझे आपको थैंक करना चाहिए। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर बना रहे थे पाइथन का ट्यूटोरियल, लेकिन आज जो है मेरा मूड थोड़ा सा आज मेरा मूड जो है बहुत मस्ती भरा हो रहा है। तो इस मस्ती भरे मूड को पाइथन से मैं देखो क्या करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा हैप्पी न्यू ईयर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सर्च करूंगा और यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट मिलेगी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसके कंटेंट को कॉपी करूंगा और मैं क्या करूंगा, पाइथन की मदद से आप लोगों को न्यू ईयर विश करूंगा। आप पाइथन की मदद से सबको, यानी कि इस पूरी ब्रह्मांड को न्यू ईयर विश करूंगा। आप लोग देखो कैसे, तो मैं यहाँ पर विशिंग नाम से एक फाइल बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पाई विन 32 जो मॉड्यूल होता है पाइथन का, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर पाई विन 32 जो मॉड्यूल है इसको इंस्टॉल कर लें। इसमें क्या होता है, एक स्पीक नाम का फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपने पाइथन को बुलवा सकते हैं कुछ भी। तो मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों ने पिप इंस्टॉल पाई विन 32 कर दिया, पिप इंस्टॉल पाई विन 32 आप लोग को ये करना पड़ेगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, तो पाई विन 32 मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लें। और ये इंस्टॉल करने के बाद, अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे करते हैं मॉड्यूल वगैरह इंस्टॉल, तो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स की। लेकिन क्योंकि अभी है नए साल का टाइम, तो हम ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो है मस्ती भरे मूड में प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको, तो कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं लिखूंगा फ्रॉम विन 32 कॉम डॉट क्लाइंट। इसमें मैं करूँगा, इसमें से इंपोर्ट करूँगा क्या, डिस्पैच। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यार ये सब याद करके आए हो क्या हैरी भाई, ये सब क्या चल रहा है, मैं समझ में नहीं। गाइस आप टेंशन ना लो, यहाँ पर क्या है कि ये APIs की डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें सब कुछ मैंशनड है। तो आप मेरे साथ जो है यहाँ पर एक स्पीक फंक्शन बनाओ और मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह आप कोई भी स्ट्रिंग को स्पीक करवा सकते हो पाइथन की मदद से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पीक इज इक्वल टू यहाँ पर जो है डिस्पैच, और उसके बाद डिस्पैच के अंदर मैं डालूँगा SAPI.SPVoice। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है कि आपको मदद करेगा कोई भी चीज़ को विंडोज़ की API की मदद से प्रोनाउंस करने में। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्पीक डॉट स्पीक, और यार मैंने इंसर्ट दबा दिया गलती से। अब यार मैं इस वीडियो को ज़्यादा एजुकेशनल नहीं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा मस्ती भरा वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा STR, और इससे क्या होगा, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पर स्पीक हैप्पी न्यू ईयर कोड विद हैरी फैमिली, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। और एक बार इसको रन करके देखता हूँ, मेरी स्पीकर की वॉइस जो है फुल होनी चाहिए, वाईफाई नहीं है स्पीकर, सॉरी। राइट लिख करके मैं जैसे इसको रन करूँगा, नए साल की शुभकामनाएं, मैं आशा करता हूँ स्पेलिंग सही लिखी होगी मैंने, बहुत जल्दी वैसे में लिखी है, जज मत करना। नए साल की शुभकामनाएं विंडोज तुमको भी। अब यहाँ पर जो है मैं बहुत ही खतरनाक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम लिखूंगा ऑल लैंग्वेजेस, ऑल लिख देता हूँ, सिर्फ ऑल हैप्पी लिख देता हूँ, यानी कि सारे लैंग्वेजेस में हैप्पी न्यू ईयर। सो ऑल हैप्पी नाम से मैं एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, ऑल हैप्पी डॉट txt, सॉरी .txt.txt, और एक टेक्स्ट फाइल रहेगी ऑल हैप्पी डॉट txt बना दी मैंने। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको खोलूँगा ऑल हैप्पी को, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ऑल हैप्पी सिर्फ ऑल हैप्पी नाम से बनी है फाइल, डॉट txt नहीं लगाया मैंने उसमें, कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो उसको रीनेम भी कर सकता हूँ यार, अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जा सकता हूँ रिफैक्टर में, रीनेम में ऑल हैप्पी डॉट txt कर सकता हूँ, और ये ऑल हैप्पी डॉट txt हो गई। मैंने यहाँ पर जो हैप्पी न्यू ईयर सर्च किया डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसमें यहाँ पर ले आऊँगा। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और ये जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में हैप्पी न्यू ईयर आ गया है, तो यहाँ पर लैंग्वेज है तो इसको इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश में हैप्पी न्यू ईयर है, अफ्रीकन्स में है ये, अल्बेनियन में है ये, और इसमें हिंदी भी नहीं हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, हिंदी है इसमें, नए वर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। इसको मैंने सेव किया, wishing.py में आया। अब मैंने अपने पाइथन के ट्यूटोरियल्स में यार बहुत कुछ पढ़ा रखा है आपको, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थोड़े से अच्छे मूड में हूँ आज, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है बोरिंग हो जाए पढ़ाई से। तो एक काम करेंगे, इस allhappy.txt को ओपन करेंगे एज एफ, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे आइटम इन app.readlines। अब ये रीड लाइन्स क्या करता है, सारी लाइन्स की एक लिस्ट बना लेता है, और उसके बाद मैं करूँगा स्पीक आइटम, और अभी क्या करेगा, एक एक करके सब में सबको रीड करना स्टार्ट करेगा, बहुत मज़ा आएगा अगर ये प्रोग्राम सही लिखा है मैंने तो। इसको मैं रन करता हूँ, वाओ,
ये कितनी लैंग्वेजेस हैं देखता हूँ, 58 लैंग्वेजेस हैं। तो ये पहले लैंग्वेज का नाम बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर उसमें, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सुनो सुनो, बंगाली आने वाला है, निकल गया बंगाली। मैं सुनना चाहता हूँ, सीरियसली मैं सुनना चाहता हूँ सारी लैंग्वेजेस में कैसा होता है हैप्पी न्यू ईयर। तो यार मैं एक काम करता हूँ, इसकी आवाज़ थोड़ी हल्की कर देता हूँ लोगों को। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई, लेकिन तब भी यार वीडियो बनाना था मुझे, मेरी तबीयत सीरियसली ठीक नहीं है, लेकिन तब भी मुझे वीडियो बनाना था, सबको विश करना था। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे इग्नोर नहीं मारा जा सकता। मैं 67 कर देता हूँ आवाज़, ठीक है, काफ़ी है, इसको बोलने देते हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी बात करते हैं। जर्मन पर आ गया है, गुजराती, गुजराती सुनना है मुझे, कुछ भी बोले जा रहा है वो, कुछ भी बोले जा रहा है। हिंदी आने वाला है, हाँ हिंदी, तब भी ठीक बोला भाई, देखो मतलब अपने हिसाब से उसने सही बोला, नए वर्ष की शुभकाम न्याय बोला, मतलब आदमी समझ जाएगा ऐसा बोला है, ठीक है। तो मैं इस प्रोग्राम को स्टॉप कर दूँ, शायद ये थोड़ा अनोइंग हो रहा है, लेकिन मैं काम करता हूँ इसको स्टॉप करने से अच्छा मैं क्या करूँगा, इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दूँगा और ये बोलता रहेगा। सो यार आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं सीरियसली आप लोगों को कैसे धन्यवाद करूँ मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन यार ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा तरीका धन्यवाद करने का। आप लोगों को एक प्रोग्राम ही बना के दिखा दिया पाइथन का, तो यार इस तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हैं, काफ़ी चीज़ें पाइथन में हैं, तो यार आप लोग जो है इस तरह की चीज़ें ट्राई करते रहो और काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेजना है, काफ़ी अच्छा लगता है दिल को, तो ज़रूर हैप्पी न्यू ईयर करना। और मैं आप लोग को सबको एक एक दिल दूंगा जितने भी लोग हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, और आप लोग का जो 2019 है वो बहुत अच्छा जाए, और आपका 2018 आशा करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा। सो यार अभी के इस वीडियो में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, अभी थोड़ी सी बकवास ज़्यादा हो रही है इसमें, बकवास नहीं बोलना चाहिए मुझे, हैप्पी न्यू ईयर ही विश हो रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो मैं इस हैप्पी न्यू ईयर को सुनता हूँ पूरा, तब तक आप लोग अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।